हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आइए सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। बोले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की परमेश्वर पिता, सुबह से लेकर अभी तक संभाला और अभी तक लेकर आया, तो आगे भी अगुवाई करेगा, लेकर जाएगा और मेरे आगे आगे चलेगा। बोलो परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। हमारी मदद करने वाला, सहायता करने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला, जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरा धन्यवाद करते, तेरे नाम की महिमा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। कितने लोग अपने जीवन में उस अद्भुत कामों को देखना चाहते हैं, छुटकारा को देखना चाहते हैं। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, वो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आप चाहते अपने जीवन में आशीषों को देखना, आप चाहते अपने जीवन में ब्लेसेड लाइफ को देखना यीशु मसीह के समर्थ नाम में, तो आइए अपने आप को सरेंडर करें और कहें परमेश्वर पिता, मैं तेरा हूँ, परमेश्वर मेरी अगुवाई कर। हालेलुया, आज बहुत सारे लोगों के जीवन में एक ये जो समस्याएं गांधी के समान कार्य कर रही होगी। हालेलुया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आप बैठे होंगे, झेल रहे होंगे और आप कह रहे होंगे कि ये बार बार मेरे लाइफ में इतनी सारी परेशानियां क्यों आती हैं, ये तूफानों के समान, ये परेशानियां क्यों आती हैं, आंधी, ये जो मेरे लाइफ में इतनी आंधी है, जो तूफान है, जो दुख का है, जो दर्द का है, जो परेशानी का है। हालेलुया, कई ऐसे हैं जो बार बार इस सिचुएशन में हैं और बार बार इस सिचुएशन आपके लाइफ में आ रही है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। बार 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 ये आपको प्रॉब्लम्स दे रही हैं, आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर है, उसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। मत्ती रचित सुसमाचार में 8:30 से हम पढ़ते हैं, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 4:35 से। हालेलुया, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दे पर सो रहा था। कौन? प्रभु यीशु मसीह। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया, जब आंधी तूफान चल रहे थे तो यीशु मसीह उस नाव के निचले भाग में सो रहा था, तो उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा उनसे, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आंधी भी, तूफान भी, पानी भी, सब कुछ परमेश्वर का बात मानते हैं। हालेलुया, क्यों मानते हैं? क्योंकि वह परमेश्वर है, वह राजाओं का राजा है, वह प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। सचमुच में उसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, वो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। यदि आज आप विश्वास करोगे परमेश्वर पर, हालेलुया, तो आप अपने जीवनों में देखोगे आंधी तूफानों को थमता हुआ। हालेलुया, और आश्चर्य कर्मों को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि आंधी तूफान यीशु मसीह की आज्ञा मानते हैं, क्योंकि वो सब कुछ परमेश्वर के हाथ में दिए गए, क्योंकि वो सब कुछ यीशु मसीह के हाथ में।
तूफानों को शांत कर दिया। जब आप भी प्रभु यीशु मसीह से कनेक्ट होगे, जब अपना लाइफ प्रभु के आगे सरेंडर करोगे, तो जब प्रभु यीशु मसीह के हो जाओगे, जब आप अपने लाइफ में से आंधी रूपी तूफान, जो समस्या है, जो बीमारियां हैं, जो कष्ट है, जो दुख है, जो तकलीफ है, जब डांटोगे प्रार्थना के समय में, तो आंधी तूफान जो के समान जो परेशानियां समस्याएं आपका बात मानेगी निकल जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हर एक जन अपने आप को सरेंडर करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया, कितने लोग चाहते हैं कि जब हम प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना सुन ले, जब हम भी जब समस्याओं को डांटे तो वो चले जाए, जब हम भी उस बीमारी को डांटे जब के लाइफ में काम करें तो चले जाए, आपके लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है जब प्रार्थना करें तो वो चले जाए। आपको अब परमेश्वर पर विश्वास करना है। फर्स्ट थिंग्स आपको क्या करना है? हालेलुया, आपको विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह पर। हालेलुया, क्योंकि विश्वास की जब कमी होती है तो शैतान को काम करने का मौका मिल जाता है। इसलिए यदि अविश्वास है आपके अंदर में, विश्वास नहीं है, तो आप बड़े कामों को देख नहीं पाओगे। लेकिन जब आपके अंदर विश्वास आएगा, हालेलुया, प्रभु पर विश्वास करोगे कि हाँ मेरे परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, वो सब कुछ बदल सकता है, तो सचमुच में आप देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अद्भुत कामों को। इसलिए आइए अपने आप को सरेंडर कीजिए। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर एक बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर एक दुष्ट आत्मा के काम खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त जो आज के वचन को सुना है परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके लाइफ में विश्वास को बढ़ाए, आज के वचन के द्वारा आप ही आओ बंधे, आज के वचन के द्वारा आपका विश्वास में बढ़ोतरी हो, आज के वचन के द्वारा आप स्ट्रांग हो जाए ईश्वर के सामर्थ्य नाम में, आज का वचन आपके जीवन में बहुत अद्भुत काम करे, आश्चर्य कर्म करे। हालेलुया, दुख तकलीफ जो आंधी के समान आपके जीवन में मंडरा रहा है वो चली जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रब शत नमक तिरडविशते होली स्पिरिट टच दे, पवित्र आत्मा छू लीजिए, हर एक जनों को छू लीजिए। हमारी मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर का आत्मा टच करे, मदद और सहायता करना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरी तारीफ करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर एक दुष्ट आत्मा के काम आपके लाइफ से खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और रबे सत्य ने मैं कहते रे डबे कहते रे डबे कहते रे डबे शांति रे डबे कहते रे रे सत्य ने मैं सत्य रे डबे कहते रे डबे कहते रे डबे शांति रे डबे कहते रे। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दयालु है, करुणा निधान पिता परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर एक बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और रे के सत्य ने मैं कहते रे डबे कहते रे डबे कहते रे डबे शांति रे डबे कहते रे। पवित्र आत्मा शोले यीशु के सामर्थ्य नाम में, पवित्र आत्मा शोले यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, त्याग कीजिए, तरस खाइए। ओ रिबे सत्य ने मैं कहते रेडे कहते रेडे बकती रेडे बस सत्य रेडे बकती रा। पवित्र आत्मा शु और आजाद कर, पवित्र आत्मा शु और आजाद कर। होली स्पिरिट टच देम इन द मटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, छुटकारा दे, मदद कर, सहायता कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रिबे सत्य ने मैं कहते रेडे कहते रेडे बकती रेडे बस सत्य रेडे बकती रा। ओ धन्यवाद यीशु, दया कर, तरस खा, तरस खा, तरस खा, तरस खा, तरस खा, मदद और सहायता करना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। ओ रेबे कितने ने मैं शेते रे लेबे के तेरे डबक तेरे डबक शंत रे डबक तेरा। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट आत्मा के काम से आजाद हो जाए, खत्म हो जाए। पवित्र आत्मा शु और आजाद कर। होली स्पिरिट टच देम, टच देम, टच देम, टच देम, मदद और सहायता करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम तेरी स्तुति करते, तेरी महिमा करते, आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक बंधन टूट जाए, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हॉस्पिटल में बड़े चंगे हो जाए और आजाद हो जाए, हर एक दर्द, हर एक सर्दी, खांसी, बुखारों को मैं ठंड यीशु के सामर्थ्य नाम में। जहाँ हेडेक जाए, डिप्रेशन से आजाद हो जाए, आपके गले में जो भी दर्द है, प्रॉब्लम है, चले जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना करती फिट्स पड़ते हैं, स्किन के डिसीज और एलर्जी, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु का, परमेश्वर दया कीजिए, यीशु लीजिए, जो भी डिप्रेशन की बीमारी आजाद हो जाए, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, मैं तुझे ठंड यीशु के सामर्थ्य नाम में। चाहे जिनका वीजा नहीं लग रहा, प्रभु वीजा के रास्ते खोल दे। परमेश्वर जिनके पास जॉब नहीं, उनको जॉब के साथ ब्लेस करते, इनके जीवन में अद्भुत कामों को प्रकट कर, इनके आत्मा को मजबूत कर, विश्वास में बढ़ा। मैं प्रार्थना करती विश्वास से मजबूत हो जाए, विश्वास से मजबूत हो जाए, परमेश्वर का आत्मा टच करे आपको। परमेश्वर आज प्रार्थना का आत्मा दे, परमेश्वर आज आपको प्रार्थना का आत्मा दे, आपका मन करेगा प्रार्थना करेगा करने का। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर अपने
प्रार्थना का आत्मा दे, मदद और सहायता करो। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। हालेलुया। प्रभु जी जहाँ भी जाते हैं स्वर्गदूत के बारे में रखते हैं, यीशु के लहू में कवर करते, सर्जरियों को पूरा करना, जब रात को सोते तो अच्छी मीठी प्यारी नींद देना। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए, कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। सभी कहें हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को हर एक जो उन लोगों को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें सर मसीही गीत एचडी चैनल को। हालेलुया। अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को दे सकते हैं, लगातार प्रार्थना में बने रहें। और जिनके लाइफ में प्रभु ने अद्भुत काम किए, अपनी गवाहियों का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाकर, वीडियो बनाकर ही शेयर करना है। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन में जिसमें वीडियो शेयर करना है गवाही की। हालेलुया। दीप्ति प्रेस सेंटर में कॉल करके आप प्रार्थना करवा सकते हैं। चर्च का एड्रेस देखें जो चर्च में आकर प्रार्थना करवाना चाहते हैं। शुक्रवार शनिवार रविवार तीन दिन प्रार्थना होती है, फास्टिंग प्रेयर होती है। हालेलुया उसमें शामिल है और आपके लिए प्रार्थना की जाएगी विश्वास के साथ। और आप परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं, जब विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। आमीन। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु को ऊंचा करें और ब्लेस करें आप सभी लोगों को। जय मसीह की। सभी कहें हालेलुया। थैंक यू जीसस।